टीवी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। विजयनगर के चाणक्य चौक से मेडिकल चौराहे तक सीएम योगी का रोड शो होगा। आज हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हाईकोर्ट की ओर से सीपीएस को लेकर दिए गए फैसले के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विधानसभा शीत सत्र की तारीख पर भी निर्णय लिया जा सकता है। आरा में बेरोजगार युवाओं के लिए जिला नियोजनालय भोजपुर के द्वारा शनिवार को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन जिला नियोजनालय आरा के कार्यालय कृषि भवन के परिसर में होगा। उत्तर प्रदेश शहर में 50,000 से ज्यादा के हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ आज अभियान चलाया जाएगा। करीब 26,000 से ज्यादा लोगों के यहाँ शहर में कुर्की की कार्यवाही होनी है। इनके ऊपर 50,000 से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का बकाया है। आज से पश्चिमी रेलवे मुंबई के जोगेश्वरी और गोरेगांव स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर 12 घंटे का मेगा ब्लॉक का ऐलान किया है। ये मेगा ब्लॉक पुल निर्माण के लिए जरूरी कार्य करने के लिए किया जा रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आज सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरामी साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज बड़कोट में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी प्रतिभाग करेंगे। हरियाणा और आसपास के इलाकों में इन दिनों घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इसका असर आम लोगों पर भी अब पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 49 ट्रेनें कैंसिल, आज से 2 दिसंबर तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक गरीब रथ, दुर्ग निजामुद्दीन समेत 15 से ज्यादा एक्सप्रेस रथ। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्री होंगे परेशान, तीसरी लाइन से जोड़ने यार्ड रिमॉडलिंग का काम। आज कोटपुतली राजमार्ग स्थित डाक बंगले में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि बीजेपी संगठन पर्व की मंडल कार्यशाला, इसमें शक्ति केंद्र और बूथ संरचना की जाएगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1908 में आज के दिन जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। साल 1915 में आज के दिन करतार सिंह सराभा, प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी का निधन हुआ था। साल 1927 में आज के दिन श्रीराम लागू का भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार का जन्म हुआ था। साल 1931 में आज के दिन आर रामचंद्र राव, भारतीय क्रिकेट अंपायर का जन्म हुआ था। साल 1995 में आज के दिन भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बने थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।